साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जहाँ के सदर हमारे प्रवेश बादशाह साहब हैं, वहाँ से हमने दासना से एक चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब हुए। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ने हमें दी है जो हमारे दरमियान में आसिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। और साथ ही साथ कानपुर से हमारे शरद सोनकर साहब कामयाब हुए, एक दलित समाज से आते हैं। मैं रबीउल्लाह मंसूरी साहब जो हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्टेट के, और नासिर खान साहब जो एडवोकेट नासिर खान साहब जो हमारे वहाँ के ज़िला सदर हैं। साथ ही साथ मैं बाबर साहब को मुबारकबाद दूँगा, उनकी पूरी टीम सद्दाम साहब और मेराज साहब को, कि सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद से 9 कारपोरेटर जिता करके आप बदला, इसके लिए आप दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी है नतीब मिल्ला जनाब मेरे सरस्वती ओवैसी साहब, आपके दरमियान में आगे इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से और इसी हौसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आने वाले इलेक्शन में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी मजबूत करेंगे। जो कमियां हमारी रह गई हैं इस इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, यकीनन वो गैर सियासी लोग हैं, मैं खुद एक गैर सियासी आदमी, मैंने जो भी सीखा है नतीब मिल्ला जनाब मेरे सरस्वती ओवैसी साहब से सीखा है, और हम उसी जज्बे के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जब तक नहीं होगा हम यकीनन कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरीके से इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो रीढ़ की हड्डी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान का पूरा जिस्म बेकार हो जाता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मजबूती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो हमको उसको मजबूत करना है। आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद नकीब मिल्ला जनाब बैरिस्टर सुदीप साहब हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें फौरी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन पे मजबूती से काम करना है, और हमारे जो भी कारपोरेटर जीत करके आए, हमारे जो भी चेयरमैन जीत करके आए, जो नहीं भी जीते हैं, उन तमाम लोगों को ये पैगाम है कि हम सब मिल करके आवाम की खिदमत का काम अंजाम देंगे। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर एक तारीफी काम पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है और आवाम की खिदमत का काम अंजाम दे रही है, लोगों को आना नहीं पड़ता, बल्कि मजलिस के लोग खुद लोगों के दरवाजे पर जाकर के पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो आइडियल है वो दारुस्सलाम है, हमारे कायद हमारे आइडियल है, यहाँ के जो तरीक़ेकार है इंशाल्लाह ताला इसी तरीक़ेकार को हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर भी उतारेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी भी कोई सियासी जमात का दफ्तर ऐसा नहीं है ना उसके कायदीन ऐसे हैं जो कि रोजाना बैठते हो और आवाम की परेशानियों को सुनते हो, उसको हल करते हो। मैंने देखा है जनाब साहब को कि लोग फोन करते हैं, साहब मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, आप बताइए मुझे, एक नंबर आप पार्लियामेंट से मिलने के लिए आपको महीनों लगते हैं, लेकिन यहाँ लोग फोन करते हैं, साहब मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, साहब फौरन उस इलाके के कार्पोरेटर को बोलते हैं और फौरन उस पानी को दिया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम सब मिल करके, अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है तो हमें मजबूरियत में नहीं आना, हमें खबर नहीं करना इस बात, हमें और भी झुक करके आवाम की खिदमत का काम करना है, ताकि आगे चल करके इंशाल्लाह ताला हमें और भी कामयाबी हासिल हो। और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ जिला पंचायत का इलेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है जिला पंचायत का, वो सिंबल पे तो नहीं होता है, लेकिन उसमें हमें मजबूती से अगर हम काम कर लेंगे तो जमात हमारी डोर टू डोर गांव के अंदर पहुंच जाएगी। अभी हम शहर में पहुंचे हैं डोर टू डोर, लेकिन हमें गांव के अंदर इंटर करना है, तो उसके लिए हम अभी से मेहनत शुरू करते हैं। जिला पंचायत के इलेक्शन हम टारगेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कंटेस्ट भी करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम अभी से हम शुरू करते हैं।